नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माइक कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आज क्लास में अपन इंग्लिश टाइपिंग सीखेंगे। पिछली चार क्लासों से अपन इंग्लिश टाइपिंग सीख रहे हैं और तीन क्लासों से अपन ने इन रो की प्रैक्टिस की थी। अपन ने होम रो की प्रैक्टिस की थी फर्स्ट क्लास में, सेकेंड क्लास में अपन ने टॉप रो की प्रैक्टिस की थी और थर्ड क्लास में अपन ने बॉटम रो की प्रैक्टिस की थी। फिर फोर्थ क्लास में अपन ने क्या किया, इन तीनों लाइनों के जो मिक्स में टाइपिंग की प्रैक्टिस अपन ने की थी। आज क्लास में अपन जो है पांचवी क्लास जो है आज लास्ट क्लास है इंग्लिश टाइपिंग की, और आज क्लास में अपन मिक्स में कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो अपन सीखने वाले हैं कि मिक्स में वर्ड आते हैं तो उनके कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कोई से वर्ड आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो एक लाइन मैंने तैयार की है जिसमें आपके सबके सारे वर्ड आपके कवर हो जाएंगे। तो ये वाली लाइन है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताऊंगा। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आप फोर उंगली जो है यहाँ पर आपके यहाँ पर जो फोर फिंगर्स है यहाँ पर यहाँ पे सेट है, वैसे आपको सेट रखनी है वो होम रो के ऊपर ही सेट रखनी है। जैसे कि ए एस डी और एफ, ये फोर उंगली जो फोर फिंगर्स है आपको यहीं रहनी चाहिए, और ये फोर फिंगर जो लास्ट की है यहाँ पे ये यहीं पर रहनी चाहिए, जे के एल और यहाँ पे सेमी कोलन के ऊपर रहनी चाहिए। हमेशा होम रो के ऊपर ही आपके ये फिंगर्स रहनी चाहिए और जो मैंने यहाँ बताया ये यहीं पर रहनी चाहिए आपके। फिर आपको अगर ऊपर से कोई वर्ड चाहिए तो आपकी फिंगर ऊपर जाएगी और वापस, जैसे आपने आर टाइप किया ये आपके एफ वाली फिंगर जो है ये वाली ये आर के ऊपर यहाँ पर जाएगी और आर टाइप करने के बाद वापस यहीं पर आ जाएगी। फिर सेम अगर आपको नीचे वाला वर्ड चाहिए तो आप ये वाली भी उंगली वापस नीचे आएगी और वी पे जैसे आप वी प्रेस करोगे वापस ये ऊपर आ जाएगी। तो हमेशा आपको होम रोक के ऊपर ही आपको ये रखना है, और फिर आपको ऊपर से चाहिए वर्ड तो ऊपर वाली उंगली ले जाएंगे और नीचे चाहिए तो आप नीचे वाली यहाँ से लेके वापस वर्ड और वापस होम रोक के ऊपर से ले जाएंगे। तो हमेशा आपको उंगली यहीं पर रहनी चाहिए, यहाँ पे बता ए एस डी एफ यहीं पर रहनी चाहिए, जे के एल और सेमी कॉलन यहीं पे ये सेट होनी चाहिए। ओपन चाहिए तो आप उंगली से जा सकते हैं और वापस होम रो के ऊपर ही आने आपको आनी है, और होम रो के ऊपर आने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे एफ और जे के ऊपर मैं बताया था अंडरलाइन या डेस के जैसे होता है तो आपको खुरदरा टाइप होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप होम रो के ऊपर आ चुके हो। आज की क्लास में जो अपन सीखने वाले हैं वो है इस लाइन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, जिससे क्या होगा आपके मिक्स में टाइप प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कौन सा वर्ड कहाँ से है। जैसे कि यहाँ जो फर्स्ट वर्ड ले दे रखा है दे, अब अपन दे टाइप करेंगे तो आपको जो टी टाइप करना है आपको ये वजह एफ वाली जो उंगली है ये वाली इससे आपको यूज़ करना है यहाँ पे टी टाइप करने के लिए। फिर एच टाइप करना है तो एच के लिए वापस आपको ये वाली जे जो आपको उंगली है यहाँ पे ये वाली इससे आपको जे एच यूज़ करना है यहाँ पर, और ई जो यूज़ करना है वो यहाँ से डी वाली यहाँ से यूज़ करना है ऊपर वाली और फिर वापस यहीं पर ला कर आनी है। तो एक साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है लाइन की पूरी वो आप देख लेते हैं। दे क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर ओवर दे लेजी डॉग। फर्स्ट में एक दो लाइन या एक दो पेज आपको धीरे धीरे टाइप करना है आपके धीरे धीरे, और आप एक दो पेज टाइप करोगे तो आप स्पीड से टाइप करना चाहोगे तो भी नहीं होगा, अगर आप टाइप करोगे तो गलत हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे ही टाइप करना और आपकी उंगलियों को जमाने की कोशिश करना। ये आप जैसे मैंने बताया था दे टी यहाँ से लेना है, इसी उंगली से लेना है यहाँ पर टी, और एच इसी उंगली से लेना है आपको, और ई आपको इसी उंगली से लेना है ई। इस प्रकार से क्यू लेना है आपको तो क्यू वाली उंगली आपके कहाँ जाएगी, ये वाली जाएगी और क्यू यहाँ से ले जाएगा। सब यहाँ पे जो तीनों जो यहाँ लाइनें हैं टॉप बॉटम और होम रो जो है उनमें जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे है इस लाइन के अंदर ही, इसी लाइन की आप प्रैक्टिस करनी है। और आज इस लाइन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आपके हाथ जमते जाएंगे। उससे पहले जो आप तीन रोज में बताई थी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर ही इसकी प्रैक्टिस करनी है। यदि आप इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपके हाथ बिल्कुल जमेंगे नहीं और आपकी स्पीड बहुत स्लो रहेगी। आपको शुरू से ही स्पीड तेज करनी है तो पहले आपको तीनों लाइनों को एक एक प्रैक्टिस करनी है, फिर मिक्स प्रैक्टिस करनी है, और उस ये जो तीनों क्लासेस हो जाए आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, तीनों क्लासेस जो अपने मैंने सिखाया था उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, और चौथी लाइन की आप मिक्स प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको ये लाइन वाली प्रैक्टिस करनी है लास्ट में, सबसे लास्ट में इसी की जब बार बार प्रैक्टिस करनी है आपको, तो इससे क्या होगा आपकी उंगलियाँ बहुत अच्छे से जम जाएगी, और फिर आपको ये जो आप चार पांच पेज टाइप कर लोगे तो आपको लगेगा हाँ अब मेरा हाथ अच्छे से चलने लग गया, और फिर भी जितना आप टाइप करते जाओगे उतनी ही आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। और फिर आपको अपनी भी तरफ से कोशिश करनी है कि मैं और स्पीड से बढ़ाऊँ टाइपिंग, और हमेशा आपको मोबाइल में लगा के आप रख सकते हो, टाइमर आता है मोबाइल में, टाइमर लगा के लो और देखो कि मेरे एक पेज टाइप करने में कितना टाइम लग रहा है। आपको लगेगा आपको मैं 10-15 मिनट लग रहे हैं तो अगली बार कोशिश करो कि 1-2 मिनट और कम लगे, तो उससे आपकी टाइप की स्पीड बढ़ जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।